अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में सोसाइटी फिंच यानी बंगलाइज़ फिंच के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया गया है। सोसाइटी फिंच जंगलों में या आबादियों में फितरी तौर पर नहीं पाया जाता। माहरीन इसे सफेद दुम वाली मोनिया, जिसे स्ट्राइड फिंच भी कहते हैं, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में वजूद आने वाली फिंच कहते हैं। बुनियादी तौर पर इसे जापान और वस्ती एशिया के आबी ज़राई इलाकों में देखा गया। इसकी मकबूलियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब इसे 1860 में यूरोप के चिड़ियाघरों में मुतारफ कराया गया। इसकी सुरीली आवाज और खूबसूरत रंग की वजह से लोग इसे बहुत पसंद करने लगे और ये एक तजारती परिंदा बन गया। सोसाइटी फिंच 7 से 8 महीने की उम्र में अडल्ट होकर ब्रीड शुरू करते हैं। इनकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। एक क्लच में अंडे देने की एवरेज 4 से 6 तक होती है। 12 से 15 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। 30 से 35 दिन बाद बच्चे बड़े होकर घोंसले से बाहर आ जाते हैं। घोंसले से निकलने के बाद बच्चों को कम से कम 10 से 15 दिन तक उनके वालदैन के साथ रहने दें। जब खुद खाना पीना शुरू कर दें तो अलग कर दें। सोसाइटी फिंच मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है, जिनमें कॉमन बंगलाइज, कॉमन पाइड, मार्केट पाइड, चॉकलेट, फोन, चस्टनिक, डिल्यूट, पेयरलेस, पर्ल, क्रस्टर्ड, अल्बाइनो, क्लियर विंग, रेड और मोका शामिल है। सोसाइटी फिंच के लिए सबसे बेहतरीन इस तरह की घास है। ये आपको परिंदा मार्केट से 150-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 1 किलो नेस्टिंग मटेरियल सोसाइटी फिंच के 20-25 पेड़ के लिए काफी है। इसको आप 7-8 इंच तक लंबा काटकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप नारियल के छिलकों को भी नेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलकों को कोट कर नरम करके इस तरह तिनका तिनका कर लें और फिर सरफ वाले पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर नीम के दरख्त के पत्तों को पानी में उबालकर पानी छान लें और उस पानी में नारियल के छिलकों को डिप करके खुश कर लें। नीम वाले पानी में डिप करने से नारियल के छिलकों पर कीड़े मकोड़े नहीं आते। इसके अलावा किसी खेत वगैरह से इस तरह की घास लेकर उसे खुश करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोसाइटी फिंच मटकी में भी अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन बॉक्स इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। गोल सराह वाले बॉक्स से बेहतर है आप इस तरह के कटे हुए सराह वाला बॉक्स इस्तेमाल करें। बॉक्स में थोड़ा सा कोपिक्स पाउडर डालकर थोड़ा सा घास लंबाई के रुख और थोड़ा सा चौड़ाई के रुख रख दें और नेस्टिंग को इस तरह घोंसले की शक्ल दे दें। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल केज के अंदर रख दें ताकि बंगलाइज अपनी मर्जी से घोंसले की सेटिंग कर सकें। ब्रीडिंग के बाद अगर नेस्टिंग गंदी हो जाए तो नेस्टिंग को सरफ वाले पानी से अच्छी तरह धोकर नीम वाले पानी में डिप करके निकाल लें, फिर धूप में रख के नेस्टिंग खुश करके दोबारा इस्तेमाल कर लें। सोसाइटी फिंच के एक पेड़ के लिए केज का साइज कम से कम 1.5 बाई 1.5 फुट का हो। 1.5 बाई 2 फुट का हो तो ज्यादा बेहतर है। स्टिक हमेशा लकड़ी की इस्तेमाल करें। स्टिक की मोटाई उंगली से ज्यादा ना हो। एक स्टिक बॉक्स के करीब लगाएं और एक थोड़ा नीचे करके लगाएं। कोशिश करें स्टिक दाने पानी के बर्तन के ऊपर ना हो, वरना इनकी बीठे दाने या पानी में गिरेंगी, जिनको खाने से ये बीमार हो सकती हैं। पानी का बर्तन ऐसा हो जिसमें सोसाइटी फिंच पानी पी भी सकें और आसानी से नहा भी सकें। बर्तन की गहराई इतनी हो कि इनके बच्चे पानी में डूबकर एक्सपायर ना हो। केज की और खासकर केज की ट्रे की सफाई हफ्ते में एक बार जरूर किया करें। सोसाइटी फिंच में मेल और फीमेल की पहचान उस वक्त होती है जब इनकी उम्र 3 से 4 माह से ज्यादा हो। बहुत से लोगों की कोशिश होती है सोसाइटी फिंच के ऐसे बच्चे खरीदें जो मेल फीमेल कंफर्म हो। मेरा मशवरा है कि अगर आपने सोसाइटी फिंच यानी बंगलाइज फिंच रखना है तो 2, 3 या 4 माह के जितने बच्चे आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें और 3x3 या 3x4 फुट की कॉलोनिया बनाकर 10 से 15 पीस उसमें छोड़ दें। मेल या फीमेल की टेंशन ना लें। जब इनकी उम्र 5 या 6 माह से ज्यादा हो तो एक केज में 5 या 6 पीस छोड़ दें, जो इस तरह से नीचे से पर फैलाकर गर्दन उठाकर सिंगिंग करेगा यानी गाना गाएगा वो मेल होगा। इसको रिंग पहनाकर या कोई निशानी लगाकर अलग कर दें ताकि आपको कंफर्म हो कि ये मेल है। या फिर किसी केज में अडल्ट बंगलाइज के 2 पीस छोड़ दें। 2-3 दिन बाद उसी केज में एक और अडल्ट पीस छोड़कर 5-10 मिनट तक उनको दूर से देखें। अगर पहले से मौजूद दोनों पीस में से कोई मेल हुआ तो गाना गाकर उसको अपनी तरफ रागब करने की कोशिश करेगा। जो सिंगिंग ना करे वो फीमेल होगी। अगर मेल ज्यादा निकल आए या फीमेल ज्यादा हो तो उनको आप फोस्टर पेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दूसरे तरीके में फिंच को पकड़कर उसकी दुम चेक करना, आंख और सर की मोटाई चेक करना, ये सब अंदाजे और तुक्के हैं। आप टाइम जाया करेंगे। सोसाइटी फिंच के लिए दाना वही है जो आप ज़ेब्रा फिंच या दूसरी किस्म की फिंच को खिलाते हैं। फिंच के लिए दाना अलग अलग खरीद कर खुद तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये सीड मिक्स 3 किलो दाने के हिसाब से तैयार करने लगा हूँ। अगर आप सीड मिक्स 1.5 किलो तैयार करें तो चीजों की मकदार आधी कर दें। अगर 6 किलो तैयार करनी है तो चीजों की मकदार डबल कर दें। 3 किलो सीड मिक्स तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1.5 किलो चीना, 1 किलो पीली बरीक कंगनी, 1 पाव लाल बरीक कंगनी, 1 पाव कनेरी सीड। ये चारों चीजें बंगलाइज फिंच को हर मौसम में खिला सकती हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में 50 ग्राम खसखास भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप इसमें 50 ग्राम सफेद या काले तिल भी शामिल कर सकते हैं।
बैंगलाइज यानी सोसाइटी फिंच के लिए कैल्शियम तैयार करने का सस्ता तरीका ये है कि आप बाजार से कैल्शियम ब्लॉक लेकर उसे कूटकर ब्रीक पाउडर बना लें और कटल फिश बॉन यानी समुद्री जाक का पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर दें। इसके अलावा किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से अंडों के छिलके लेकर पानी में उबालकर साफ करके खुश कर लें और कूटकर पाउडर बना लें। थोड़ा सा पिसा हुआ काला नमक भी इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा मोरिंगा, सौंफ, कलवंजी, काली मिर्च, मेथी और सूंड वाला पाउडर भी इसमें शामिल कर दें। ये पाउडर और कैल्शियम ब्लॉक घर में तैयार करने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देखकर मिट्टी तैयार कर लें और इन तमाम चीजों को किसी छोटे बर्तन में डालकर केज में रख दें। इसके अलावा आप समुद्री झींगे का पाउडर बनाकर सोसाइटी फिंच को खिला सकते हैं और मेलवर्म भी खिला सकते हैं। बैंगलाइज फिंच के लिए एग फूड, सॉर्ड फूड और ग्रीन फूड बहुत जरूरी है। एग फूड बनाने के लिए अंडे को अच्छी तरह उबाल लें और इस तरह कश कर लें। खाली अंडा भी खिला सकते हैं और इसमें रस का ब्रीक चूरा करके इन दोनों चीजों को मिक्स करके भी खिला सकते हैं। इसके अलावा चिकंदर या गाजर को कश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सलाद के पत्ते या बंद गोभी वगैरह को बिल्कुल ब्रीक काट कर डाल सकते हैं। बेहतर तो यही है आप समुद्री जाग और अंडा को छिलके और दूसरे कैल्शियम को अलग से खिलाएं। अगर अलग से नहीं खिला सकते तो एग फूड पर थोड़ा सा छिड़क कर भी खिला सकते हैं। एक पेड़ के लिए एग फूड का एक चम्मच काफी है। गर्मियों के मौसम में एक दिन के वक्फे से और सर्दियों के मौसम में रोजाना ये एग फूड अपने बंगलाइज फिंच को खिलाया करें। ग्रीन फूड में आप पुदीना के पत्ते, मेथी के पत्ते, लूसन के पत्ते, पालक के पत्ते, सलाद के पत्ते और बंद गोभी के पत्ते, गर्मियों में धनिया के पत्ते भी खिला सकते हैं। इसके अलावा घिया तोरी, गाजर, चुकंदर, कद्दू, टिंडे वगैरह भी कश करके खिला सकते हैं। पत्तों को ब्रीक काट लें, गाजर या चुकंदर या कद्दू वगैरह को कश कर लें। दो तीन सब्जियां मिक्स करके भी खिला सकते हैं और अलग अलग भी खिला सकते हैं। ग्रीन फूड के अलावा मूंग की दाल या फिर मूंग की दाल का स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म की दालों को 12 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और थोड़ा सा मैश करके सोसाइटी फिंच को खिला दिया करें। सोसाइटी फिंच के पेड़ को अलग अलग रख के ब्रीड लेना चाहिए। अगर इनको जेब्रा फिंच की तरह कॉलोनी बनाकर रखें और ब्रीड लेने के लिए मटकियां या बॉक्स लगाकर दें तो ये नेस्टिंग तो तमाम बॉक्स में करेंगी लेकिन एक ही बॉक्स में बहुत सी मादियां इकट्ठे अंडे दे देंगी। खासकर रात के वक्त तमाम सोसाइटी फिंच एक ही बॉक्स में 10-12 इकट्ठी घुसकर सोने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से अंडे ठीक से हैच नहीं होते या अंडे खराब हो जाते हैं। अगर आपने सोसाइटी फिंच यानी बंगलाइज से अच्छी ब्रीड लेना है तो एक मेल के साथ दो फीमेल लगाकर एक क्लच में ज्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं। सोसाइटी फिंच के 7 से 8 महीने से कम और बच्चों से ब्रीड ना लें और कोशिश करें छोटे बच्चों को बड़ी उम्र के बच्चों के साथ एक केज में ना छोड़ें। ऐसा करने से नर छोटी उम्र की फीमेल को क्रॉस कर लेते हैं। कम उम्र में ब्रीड करने की वजह से फीमेल एग बाइंडिंग का शिकार होकर एक्सपायर हो सकती है या फिर फीमेल छोटी उम्र के नर के साथ जोड़ा बनाकर अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देती है। इसलिए जब आप इनको कॉलोनी में रखें तो तमाम फिंच की उम्र एक जितनी हो और जब ब्रीड लेना शुरू करें तो इनकी उम्र कम से कम 8 माह से ज्यादा हो। ज्यादातर लोग सोसाइटी फिंच को महंगी नस्ल की फिंचेस मसलन गोल्डियन फिंच, स्टार फिंच, ऑयल फिंच, डायमंड फिंच और इसके अलावा लॉन्ग टेल फिंच के अंडे हैच करवाकर बच्चे पलवाने के लिए रखते हैं। देखने में आया है कि बंगलाइज यानी सोसाइटी फिंच के दो अडल्ट मेल अंडों को हैच करके बच्चों को बेहतर तरीके से पालते हैं। अगर आप मेल और फीमेल के जोड़े के नीचे अंडों को हैच करवाएंगे तो जोड़ा अपने अंडे भी देगा और जो आपने अंडे फोस्टर किए होंगे वो भी इनके नीचे होंगे। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा अंडा फोस्टर किया हुआ है और कौन सा इनका अपना है, इसलिए अंडे फोस्टर करने से पहले अंडों पर निशानियां लगाकर रखें। अगर दो फीमेल से अंडे फोस्टर करवाना है तो दोनों फीमेल आपस में क्रॉस होकर अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देती हैं और आपने दूसरी फिंच के अंडे भी फोस्टर किए होंगे, इसलिए खराब अंडे जाया कर दें और जो दूसरी फिंच के अंडे हैच करवाने हैं उन पर निशानियां लगाकर रख दें। कुछ लोग दो फीमेल के साथ एक नर लगाकर या एक नर के साथ दो फीमेल लगाकर 7-8 अंडे हैच करवाकर बच्चे पलवाते हैं। ये डिपेंड करता है आपने एक क्लच में कितने अंडे फोस्टर करके बच्चे पलवाना है। अंडे फोस्टर करते वक्त आपने ऐसे ही किसी पेड़ के अंडे उठाकर इनके नीचे नहीं रखने। हो सकता है सोसाइटी फिंच अंडे हैच ही ना करें या अंडे खराब हो जाएं। जिन पेड़ से अंडे फोस्टर करवाने हैं उनकी उम्र 8 माह से ज्यादा हो। अगर आपने पहली दफा किसी पेड़ से अंडे फोस्टर करवाने हैं तो पहले इनके नीचे कोई डम्मी एग रखें या किसी पेड़ के खराब अंडे इनके नीचे रखें। जब आप देखें सोसाइटी फिंच अंडों पर बैठ रहे हैं, अंडों को सेकने लग पड़े हैं, तब आप खराब अंडे उठाकर जो अंडे हैच करवाने हैं वो इनके नीचे रख दिया करें। दूसरी नस्ल की फिंचों की निस्बत सोसाइटी फिंच कम बीमार होती हैं।
सोसाइटी फिंक सर्दियों में ठंडी हवा लगने या सर्दियों में शाम के वक्त नहाने की वजह से सारी रात गीले रहते हैं और सर्दी लगने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। सर्दियों में इनको नजला, जुकाम और सांस की बीमारी लग सकती है। आपको चाहिए सर्दियों में रात को केज से पानी निकाल दें और सुबह ताजा पानी केज में रख दिया करें और रात को शेड या केज को मोटे कपड़े या प्लास्टिक कागज से ढांप कर रखें। हो सके तो सर्दियों के मौसम में शेड के अंदर बिजली या गैस का हीटर लगाकर टेंपरेचर कंट्रोल करें। गैस का हीटर अपनी निगरानी में लगाएं। अगर गैस लीक होकर शेड में फैल गई तो तमाम परिंदे एक्सपायर हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हफ्ते में 2 दिन दिशांधे वाला पानी बनाकर उस पानी का 1 चम्मच इनके पानी में मिक्स करके दिया करें, या फिर मेरे चैनल पर परिंदों के लिए गर्म पानी तैयार करने की वीडियो मौजूद है, वो वीडियो देखकर पानी तैयार कर लें और सर्दियों के मौसम में अपने परिंदों को पिलाया करें। गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट या ORS या निमकोल वाला पानी पिलाया करें। गर्मियों के मौसम में शेड के एक तरफ एयर कूलर लगाएं और दूसरी तरफ कोई खिड़की या एग्जॉस्ट फैन हो जिससे हवा बाहर चली जाए। कोशिश करें एयर कूलर की ठंडी हवा डायरेक्ट फिंच को ना पड़े। बारिशों के मौसम में एयर कूलर का सिर्फ पंखा चलाया करें और पानी वाली मोटर बंद करके रखा करें ताकि हवा में नमी का तनासब ज्यादा ना हो। हवा में नमी का तनासब कम या ज्यादा होने की वजह से अंडों के अंदर बच्चे डेड इन शेल होने का खतरा होता है। केज ऐसी जगह हो जहां घर वालों का आना जाना कम से कम हो। कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छिपकली इनको तंग ना करे। केज के पायों पर और शेड की दीवारों के साथ कोपेक्स पाउडर का छिड़काव किया करें ताकि कीड़े मकोड़े इनकी मटकी या बॉक्स पर हमला ना करें। अगर पेड़ अंडे अनफर्टाइल दे रहा है तो इतने साइज का प्याज लेकर उसको कूट कर रात पानी में भिगोकर रख दें। सुबह वो पानी अपने बल्ड को पिलाया करें। इसके अलावा स्पार्क भी हफ्ते में 2 दिन के वक्फे से जरूर इस्तेमाल कराया करें। सोसाइटी फिंच को 1 दिन कैल्शियम पी सिरप, 1 दिन छोड़कर अगले दिन वाइल्डन एम सिरप, फिर 1 दिन के वक्फे से लेसोविड सिरप आधे लीटर पानी में आधा चम्मच या इतने पानी में 2 कतरे मिक्स करके पिलाया करें। ये सिरप आपको तकरीबन हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। पानी साफ और ताजा दिया करें। कोशिश करें दिन में 2 बार पानी तब्दील किया करें। दाना साफ सुथरा हो और केज की सफाई भी हफ्ते में 2 बार जरूर किया करें। सोसाइटी फिंच अडल्ट होने से पहले या फिर मौसम की तब्दीली होने पर मोल्टिंग पर आ जाते हैं, यानी अपने पर और धुम झाड़ने लगते हैं। उस वक्त विटामिन और खुराक का खास ख्याल रखा करें। इनके पर 1-2 हफ्ते बाद वापस आ जाते हैं। इनके जिस्मों पर रेड माइट्स पड़ जाते हैं जिनकी वजह से ये अपने परों पर खारिश करते रहते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं और कमजोर होकर बीमार हो जाते हैं। रेड माइट्स के खात्मे के लिए केज की सफाई रखा करें और अगली ब्रीड लेने से पहले नेस्टिंग तब्दील कर दिया करें और परिंदों को पकड़कर मुंह और आंखें बचाकर कोपेक्स पाउडर को इनके परों के नीचे लगा दिया करें। सेहतमंद सोसाइटी फिंच की निशानी ये है कि उसके पर डलके हुए नहीं होने चाहिए, पर चमकदार और खूबसूरत होने चाहिए। आंखों या नथरों में से किसी किस्म का पानी या मवाद खारिज नहीं होना चाहिए। सांस लेने में दुश्वारी ना हो, चुकन्ना और होशियार होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।